नहीं दी थी। हजरत हूद ने कौम को बुरा भला नहीं कहा था, बल्कि हक की एक आवाज बुलंद की थी, तौहीद का एक कलिमा बुलंद किया था। नतीजा क्या हुआ? कौम ने क्या कहा? कौम ने इल्जाम लगाया, तोहमतें लगाई, इन्ना लनराका फी सफाहतिन व इन्ना लनजुन्नुका मिनल काज़िबीन, तू तो सबसे बड़ा झूठा लग रहा है, तू तो दज्जाल है, तू तो मक्कार है, तू झूठ बोलता है, तू बेवकूफ और अहमक है। अस्तग़फिरुल्लाह, एक नबी को उस कौम ने क्या कहा था? इन्ना लनराका फी सफाहतिन, तू अहमक है, तू गबी है, तू बेवकूफ है, तू हमें किस चीज की दावत दे रहा है? यही वो जवाब था उस कौम का। और सुनो, जरा नूह अलैहि सलाम को देखो, 950 बरस जिस नबी ने और सबसे पहले रसूल हैं, जिस नबी ने 950 बरस अपनी कौम को दावत तौहीद दी और बुलाया, उस कौम का जवाब क्या था? उस कौम ने क्या कहा? इन्ना लनराका फी दलालिम मुबीन। जब हजरत नूह ने कहा या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ए मेरी कौम के लोगों, ये माबूदाने बातिला हैं, ये तुम्हारे मुश्किल गुशा नहीं, ये तुम्हारे हाजत नवा रही, अरे ये तो खुद का फायदा नहीं पहुंचा सकते, तो ये तुम्हें नफा नुकसान क्या पहुंचा सकते हैं? ये तो ना सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो फिर तुम्हें क्या फायदा पहुंचा सकते हैं? उस कौम का जवाब क्या था? इन्ना लनराका फी दलालिम मुबीन, नूह तुम तो भटके हुए हो, तुम तो गुमराह हो और तुम बदतरीन राहों के ऊपर चल रहे हो। औजु बिल्लाह, बददीन, बदमजहबियत, पागलपनी, हिमाकत, बेवकूफी, गबावत के ताने और इल्जाम तराशियां नबुवत को दी जा रही हैं, नबियों को दिया जा रहा है। और ये मूसा अलैहिस्सलाम को देखो, मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत हक पेश किया, क्या क्या इल्जाम इस मुकद्दस नबी के ऊपर नहीं लगाए गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दावत तौहीद पेश की, क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए गए। अरे हजरत ईसा तो अपनी जगह, इनकी वालिदे मोहतरमा के ऊपर भी जिना का इल्जाम लगाया गया। अस्तग़फिरुल्लाह, जिना जैसा जुर्म हजरत आयशा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा पर लगाया गया। और इन जालिम बनी इसराइलों ने यहीं तक नहीं बल्कि हजरत ईसा को भी ये कहा कि ये दाऊद का बेटा है, ये हरामी है। अस्तग़फिरुल्लाह, इसी दावत तौहीद पर इन्हीं बनी इसराइलों ने, इन्हीं यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर क्या क्या तोहमतें नहीं लगाई, क्या क्या जुल्म नहीं तराशे। और आगे बढ़ो, नबुवत की आखिरी कड़ी, रिसालत की आखिरी सीढ़ी, हमारे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख तक हम पहुंचते हैं। जरा इनकी भी तारीख का जायजा लो और हम तुम्हें क्या बतलाएं। जिस नबी की पूरी जिंदगी, मुकम्मल जिंदगी, अलम और मुसीबत और आजमाइशों के अंदर गुजरी हो, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से निकलते हैं, कोहे सफा के ऊपर चढ़ते हैं और आवाज देते हैं, सारा मक्का जमा होता है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस मक्के की सरजमीन पर अमीन के नाम से याद किए जाते थे, अमानतदारी में उनकी कोई मिसाल और बेनजीर शख्सियत, और इसी तरह सिद्क और सफा की बेनजीर शख्सियत, उस जमाने में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये गोल्ड मेडल उस कौम और कबीले ने, कुफारे मक्का ने दिया था। लेकिन जब यही नबी कोहे सफा पर खड़कर ये ऐलान करता है, क्या ऐलान करता है? कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए मेरी कौम के लोगो, ये तुम बुतों की परस्तिश और पूजा करते हो, अल्लाह की इबादत और परस्तिश करो, अल्लाह को हाजत रवा समझो, अल्लाह को मुश्किल कुशा समझो, ये शिर्क है, ये सरासर जुल्म है अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ। अल्लाह ने तुमको बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी, अल्लाह ने तुम्हें मौत दी, अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी, अल्लाह ने तुम्हें दुनिया दी, अल्लाह ने आसमान और जमीन बनाए, अल्लाह ने चांदो सितारे बनाए, हर तरह से अपनी कौम को समझाया। उस प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब क्या मिला? कोई पराया नहीं, कोई गैर नहीं, अपना सगा चचा। घर के अंदर से सबसे पहला गालियों का पत्थर अगर फेंका गया तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अबू लहब ने फेंका था और क्या कहा था? तब्बन लका या मोहम्मद अलिहाजा जमातना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद तेरे हाथ टूट जाए, क्या इसी के लिए तूने हमको जमा किया था? क्या इसी के लिए तूने? गैरत खुदावंदी को जोश आया, अल्लाह को बर्दाश्त नहीं हुआ अपने नबी की गुस्ताखी, अपने नबी की शान में इस कदर नारवा कलिमा बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने पूरी सूरह तब्बत यदा नाजिल फरमा दी, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब मर्दूद, तेरे हाथ टूट जाए, मेरे नबी को कह रहा है उनके हाथ टूट जाए, अरे तेरे हाथ टूट जाए, तू भी जहन्नमी और तेरी बीवी भी जहन्नमी, जो हमारे नबी को तकलीफ पहुंचाती है। गरज कहने का मतलब है कि यही खानदान दुश्मन बन गया, कबीले दुश्मन बन गए, वही कुफारे मक्का जो आपकी अमानत और सदाकत के वजीफे पढ़ा करते थे, अब
हाथों में पत्थर लेकर उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार कदमों की आहटों से मक्के की सरजमीन को महरूम कर देना चाहते हैं। आपके दुश्मन, आपके मानने वालों के दुश्मन, क्या तुम्हें उस पैकरे, और जरा सोचो क्या क्या कहा था उस पैकरे अखलाक ने, क्या कहा था उस सरापा रहमतो राफत के उस मुजस्समे ने। उम्मत अपने कौम को गाली नहीं दी थी, अपने कौम के बुजुर्गों को गाली नहीं दी थी, अपने कौम को किसी बुराई की तरफ दावत ना दी थी। अस्तग़फिरुल्लाह, वो तो गाली तो गाली है, उनकी जुबान से तो हमेशा मुकद्दस कलिमात निकला करते थे, लेकिन दुश्मनों ने क्या इल्जाम दिया, दुश्मनों ने क्या इल्जाम लगाया, क्या क्या तोहमतें नहीं रवा रखी गई। दुश्मनों ने कहा यह तो पागल हो गया है, दुश्मनों ने कहा यह तो मजनू हो गया है, दुश्मनों ने कहा यह तो साहिर हो चुका है, दीवाना हो चुका है, और इस नबी को तो जो सताया वो सताया ही गया। इस नबी के मानने वालों के ऊपर भी वो जुल्म और सितम उन्होंने रवा रखे। अल्लाहु अकबर, जिसकी एक अलमनाक दास्तान है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत तौहीद लेकर मक्के के बाजारों में निकलते हैं, लोगों को अल्लाह के तौहीद की तरफ दावत देते हैं। पीछे पीछे ये मर्दूद अबू लहब चचा जिसने, और ये कौन अबू लहब है, ये वही अबू लहब है जो जिसने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर इतना खुश हुआ था कि जिस लौंडी ने वो बशारत और खुशखबरी भतीजे की दी थी उसको खुशी से आजाद कर दिया था। उसका यह हशर है कि नबी जहां जा रहे हैं दावत दे रहे हैं, वो पीछे पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारक के ऊपर छोटे छोटे जेबों में पत्थर भरकर आपकी एड़िये मुबारक के ऊपर मारा करता था। और जिस मजलिस में नबी बैठते, उस मजलिस से जब उठ के जाते तो वो आकर के उस मजलिस वालों से कहता, इसकी बात न सुनना, ये पागल है, ये मजनू है, ये मेरा भतीजा दीवाना हो गया है, देखना इसके जाल में ना आना, ये बहुत बड़ा जादूगर है। अस्तग़फिरुल्लाह, ये इसी दावत तौहीद के पादाश में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या नहीं किया गया। मस्जिद हराम में, खाने काबा के सहन में आपके गर्दनों के अंदर कपड़े लपेटे गए। अल्लाहु अकबर, हजरत अली इब्ने अभी तालिब से पूछा गया, तुम ए अली ये बतलाओ हम में सबसे बड़ा बहादुर कौन है, हम में सबसे बड़ा, क्या तुमने किसी की शुजात देखी। हजरत अली के मानने वालों ने हजरत अली से पूछा, ये बतलाओ सबसे बड़ा शुजा और बहादुर कौन है। हजरत अली ने कहा, मैंने अबू बकर से बढ़कर के बहादुर किसी को नहीं देखा है। मक्के के अंदर मैंने अपनी आंखों से देखा जब पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलूए मुबारक में एक मर्दूद काफिर कपड़े चादर लपेट कर और ऐठन तेज कर रहा था, आपका गुलूए मुबारक घुटता जा रहा था, चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने देखा कि मेरे नबी की जुबानें बाहर निकल गईं। उस वक्त मेरी हिम्मत ना पड़ी, किसी की हिम्मत ना पड़ी, तने तनहा अबू बकर तने तनहा सहने काबा में कूदा और उसने लोगों को मारा और कहा, क्या ऐसे नबी को तुम मार रहे हो, एक ऐसे शख्स को अजियतें दे रहे हो, जालिमों जो ये कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, उसको तुम ये सजाएं दे रहे हो। हमारी हिम्मतें ना पड़ी, अबू बकर ने तने तनहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिफेंस किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाई, वही सबसे बड़े शुजा और सबसे बड़े बहादुर हैं। अल्लाहु अकबर। ये अर्ज करने का मतलब यह है, मैं सिर्फ एक नक्शा आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह दावत हक के सामने रोड़े अटकाए गए और इस हक के दायान के साथ क्या क्या इस कौम ने सलूक किया है और क्या क्या तौहीद और सुन्नत से दूर रहने वालों ने क्या क्या जुल्म नहीं नवारवा रखा है। यही नबी हैं, इनकी पीठ पर वजहड़ियां डाली जा रही हैं, मक्के के अंदर लहूलुहान किया जा रहा है, खाने बंद किए जा रहे हैं, रिश्ते और नाते बंद किए जा रहे हैं। और यही नबी ताइफ जब गया था, तुम्हें पता है ना ये प्यारा प्यारा नबी जब ताइफ गया था तो क्या आलम हुआ था। ताइफ में जाकर के वहां कोई खाने पीने की चीज तलब करने ये नबी नहीं गया था, बल्कि उन्हें अल्लाह का वो पैगाम सुनाने गया था और कहा था, ए मेरी कौम के लोगों, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तमलिकुल अरब वल अजम, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, फलाह पा जाओगे, अरबो अजम के मालिक बन जाओगे, अरबो अजम तुम्हारे कदमों में आ जाएंगे। लेकिन जालिमों ने क्या सलूक किया, आपको पत्थर मारा, औबाशों ने आपकी बेहुर्मती की और आपको इतना सताया कि आपको इतना खून निकला कि आप बेहोश हो गए। अल्लाहु अकबर। आपको ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पत्थरों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। और एक फहरिस्त है, एक दास्तान है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो जुल्म किया था, और भला बताओ इससे बड़ा और क्या जुल्म होगा कि जहां आपको सताया जाता था आपके घर वालों को भी उसी के साथ सताया जाता था। दो दो जवान बेटियां उतबा और शैबा के घरों में मौजूद थी, लेकिन जब देखा कि ये नबी तौहीद की दावत दे रहा है तो उन मुशरिकों ने क्या किया, उन्होंने अपने कहा कि तुम्हारी बेटी को तलाक, दो दो जवान बेटियों को तलाक,
طلاق دے کر نبی کے گھروں میں گھر سے اپنے باہر نکال دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں بیٹیوں کے غم کو اپنے سینوں میں لے کر کے بیٹھے, لیکن کبھی بھی حق کی دعوت سے کبھی انہوں نے سر منہ بھی اللہ اکبر انحراف نہ کیا اور سر منہ بھی کبھی پست ہمت اور بزدل اللہ کے حبیب نہ ہوئے. گھروں کے اندر دو جوان بیٹیاں ہیں اور پورا علاقہ پوری قوم دشمن ہے, اور یہ تو یہ ہیں, یہ تو خیر آئے تھے کس لیے؟ آئے ہی تھے اخلاق کی بنیاد رکھنے کے لیے, آئے تھے اخلاق کی اینٹوں کو پوری کرنے کے لیے, آئے تھے اللہ کے پیغام کو بتلانے کے لیے. ان کے جو ماننے والے تھے, ان کے ماننے والوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی, حضرت خبیب ہیں, یہ حضرت بلال حبشی ہیں, یہ حضرت عمار ہیں, یہ حضرت یاسر ہیں, یہ حضرت سمیہ ہیں, ماں ہیں, باپ ہیں, بیٹا ہے, تینوں کو ننگے ظالموں نے کھمبوں میں باندھا ہوا ہے آمنے سامنے. مسلمانوں, کہنا بڑا آسان ہے, سننا بڑا آسان ہے, لیکن ایک دعوت توحید کے لیے اس طرح ننگا ہونا, اور ننگا ہونے کے ساتھ ساتھ ماں بھی سامنے ننگی, باپ بھی سامنے ننگا, بیٹا بھی بیٹے کے سامنے ماں ننگی ہے, ماں کے سامنے بیٹا, اسی مکے کے کھمبوں کے اندر باندھا گیا تھا, اللہ اکبر. لیکن کبھی بھی انہوں نے شرک جیسا بھیانک جرم اس کو دوبارہ پلٹ کر کے انہوں نے نہیں کیا, اللہ اکبر. یہ دعوت توحید, یہ حضرت بلال حبشی ہیں, یہ حضرت خبیب ہیں. حضرت خبیب انگاروں کے اوپر سلائے گئے, اور جب مسلمانوں کی فتح ہوئی, پشت پیٹ دیکھی گئی تو کالی ہو چکی تھی پیٹ, کہا گیا یہ پیٹ کالی کیوں ہو گئی؟ کہنے لگے انگاروں پہ ظالم سلایا کرتے تھے, کہنے لگے کہ تمہیں تکلیف نہیں ہوتی تھی, کہتے تھے کہ اس توحید کی جو لذت دلوں کے اندر اللہ نے جو چاشنی ڈالی دی, اللہ اکبر, اس لذت کے آگے کوئی درد ہی نہیں, کوئی تکلیف ہی نہیں محسوس ہوتی تھی, اللہ اکبر. اور کہتے تھے کہ میری چربیاں پگھل پگھل کر کوئلوں کو سرخ, جو سرخ کوئلے تھے انہیں کالا بنا دیتی تھی, وہ بجھ جاتے تھے, لیکن ظالم کبھی بھی مجھ سے کبھی بھی اس عذاب کو تخفیف یعنی ہلکا نہیں کرتا تھا. حضرت عمر بن خطاب ہیں, حضرت عثمان غنی ہیں, ان سب کو ستایا گیا, ان سب کے اوپر ظلم ڈھائے گئے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو, میرے دوستو, اور تو اور ہے, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے بیٹے دیے, اولاد دیے, وہ اولاد اللہ نے پھر دوبارہ واپس لے لی, بیٹے مر گئے, بیٹوں کی وفات ہوئی, تو ظالموں نے کیا کہنا شروع کیا؟ جب کوئی دشمن ہوتا ہے نا تو اس کی تھوڑی تھوڑی برائیاں بھی لوگ پتہ نہیں کیا کیا ہیلے اور بہانے بنا لیتے ہیں, اس کو نہ جانے کیا کیا کہہ کر کے اچھالتے ہیں. استغفر اللہ, استغفر اللہ. ایک ہمیں قسیم اور بریدہ کے علاقے میں ایک صاحب نے بتلایا, کسی ایک تحریک اسلامی کے آدمی ہیں, وہ بیچارہ توحید پرست ہو گیا اور اس جماعت کو چھوڑ کر وہ موحدین اور متبعین کتاب و سنت کے ساتھ مل گیا, تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, مر گیا, تو وہ بیچارہ بہت بڑا ڈائریکٹر, اپنے آپ کو بہت بڑا امیر کہلاتا ہے قصیم کے علاقے میں, اس نے کہا وہ ہماری جماعت چھوڑ کے دوسری جماعت میں چلا گیا, اسی لیے اللہ کا عذاب آیا, وہ مر گیا. استغفر اللہ. تو ایسے ہی یہ ذہنیت جو ہوتی ہے نا, یہ انہی مشرکین کی, اور جن کے اندر دلوں میں نفاق ہوتا ہے, اس طرح کی ذہنیت ہوتی ہے. جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدر پہ بچے انتقال فرما گئے تو ظالموں نے کیا کہنا شروع کیا؟ کہنے لگے کہ یہ دم کٹا ہو گیا, استغفر اللہ, اس کے تو چراغ بتی جلانے والا کوئی نہیں رہا, یہ بے اولاد نربنس ہو چکا ہے, اس کے تو کوئی بنس ہی نہیں پیدا ہو رہی ہے. حضرت اللہ وحدہ لا شریک کو بھلا یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ اللہ نے عرش سے آواز دی, انا آتینا کل کوثر, انا آتینا کل کوثر, فصل لربک وانحر, ان شانیک هو الابتر. اے نبی, غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ہم نے تو آپ کو کوثر جیسی نعمت عطا فرمائی ہے, کوثر عطا فرمایا ہے. اللہ کے لیے نماز پڑھو, اللہ کے لیے قربانی کرو. ان شانیک هو الابتر, جو آپ کی شان میں یہ جملہ کہنے والا ہے وہ خود دم کٹا ہے, وہ خود نیست و نابود ہونے والا ہے. اللہ اکبر. آج اسی نبی کے تذکرے ورفعنا لک ذکرک چہار داغے عالم میں گونج رہے ہیں. دنیا کے اندر کوئی ایسا منٹ نہیں گزرتا ہے جہاں اذان نہ ہوتی ہو. پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا منٹ نہیں گزرتا ہے, میں گھنٹہ تو چھوڑو, میں منٹ کی بات کر رہا ہوں, جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے نہ بلند ہو رہے ہوں. اگر صبح سویرے فلپائن کے جزائر کے اوپر کہیں اذان ہو رہی ہے, اور وہاں سے اگر وہاں ظہر کی اذان ہو رہی ہے تو کسی کونے میں فجر کی اذان ضرور ہو رہی ہے اسی ٹائم میں, اگر کہیں مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو عشاء کی اذان کہیں اور ہو رہی ہے. اللہ اکبر. یہ ورفعنا, اللہ کے نبی کے ذکر کو اس طرح سے جو ہے بلند کیا گیا. آگے بڑھتے ہیں, آپ کے ماننے والوں کو اللہ کے نبی نے اپنے ماننے والوں کو حبشہ ہجرت
हिजरत करने के लिए कहा। जालिमों ने वहां भी जान न छोड़ी, हफशा पहुंचे और वहां भी बादशाह के दोगली पॉलिसियां अपनाएगी। हम तो आपके चाहने वाले, जबकि वह बादशाह क्रिश्चियन था, ये मुशरिकीन थे, हम आपके चाहने वाले हैं, हम आपके मानने वाले हैं, हमारे कुछ गुलाम हमारा शहर छोड़ छोड़ के आए हैं, इसके हमारे हवाले कर दो। वहां भी जा करके दोगली पॉलिसियां कर करके उनको सताना शुरू किया। हजरत जाफर बिन अबू तालिब को बुलाया गया। तमाम मुसलमान जो हफशा गए, हफशा हिजरत करके गए थे, बादशाह ने उनसे रिपोर्ट ली। उन्होंने क्या कहा कि ऐसी बात नहीं है, ये हमारे दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? इसकी वजह